Hi, how are you? What's your name? My name is B. How are you? You are beautiful. Thank you, Zima. तो भाई बड़ी ब्यूटीफुल है यार ये लड़की. All of these bodies is making me sick. 2400, that's all on the drip. A lot of you niggas can't get into this. I ran out my bag and I switched up my fit. These niggas mad they can't keep up with him. Them niggas dead, get put on the list. It really costs nothing to get that boy hit. SHPDB all over my dick. Can't even walk out the crib with a blick. But that don't mean shit. Still got them demons behind me in case this shit ever get lit. I'm tryna shake something, niggas. Show me you really legit. You hear that kick? भाई आप भी सोच रहे होंगे थंबनेल बंदे ने लड़की का लगाया है और बंदा बाल कटवा रहा है बंदे से, तो ये क्या है? अभी वेट करो भाई, अभी तो ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, अभी ब्लॉग स्टार्ट करेंगे. तो भाई कटिंग तो हो गई है हमारी डन. कैसी लगी कटिंग बताना भाई कमेंट्स में. आप भी सोच रहे होंगे भाई कि पारस भाई पागल ही बंदा है, थंबनेल लड़की का लगाया है और बाल लड़के से कटवा रहा है. ऐसा नहीं है भाई, अभी तो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है. तो भाई कटिंग हो चुकी है. व्हाट्सअप, दिस इज योर बॉय पारस. सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस एंड अनदर ब्लॉग गाइस. तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार कटिंग तो मैंने करवा ली है, तो लड़की वाला थंबनेल और लड़की हॉट बार्बर. तो भाई अभी तो ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, तो चलते हैं अभी वो वाली बार्बर के पास और आपको दिखाते हैं और कहां पर है वो वाली शॉप और आपको बताते हैं. तो काफ़ी दिन से मेरा प्लान था जाने का बाल कटवाने का, बट मैं बिज़ी था थोड़ा सा, तो आज टाइम लगा है. तो मैंने पहले बाल कटवा चुका हूं ऑलरेडी, क्योंकि एक्चुअली जो लड़कियाँ होती है भाई सिर के बाल नहीं काट सकती वो अच्छे, बट बीएड वगैरह बढ़िया बना देती हैं वो. तो उस लड़की से भाई जाके बीएड बनवाते हैं. कहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट बिल्कुल नज़दीक है और ये वाला बार्बर है जहाँ से मैंने बाल कटवाए हैं. और भाई ये बाल बहुत बढ़िया काटते हैं. अगर इन फ्यूचर आओगे तो भाई यहाँ से बाल कटवाना. और बंदे काटते हैं बाल, बट बहुत ही बढ़िया काटते हैं. 180 बार लेते हैं भाई बाल काटने के, मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट बाल बहुत बढ़िया काटते हैं ये लोग. तो यहाँ पर सिर्फ यही शॉप बेस्ट लगती है मुझे जहाँ से बढ़िया बाल कटते हैं. तो ठीक है भाई, हमारा ना कट जाए. तो चलते हैं भाई, मिलते हैं उस लड़की को. तो चलते हैं और रास्ते का व्यू इन्जॉय करो आप. जो शॉप है भाई ये थोड़ी सी पताया से दूर है, पताया के अंदर ही है एक्चुअली, बट पताया जो सुकमित रोड आती है भाई, हाईवे आता है जो, उसके क्रॉस करने के बाद आती है, मतलब कि खाओ तालो. आपने शायद काफ़ी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा कि हमने एक खाओ तालो दिखाया था. खाओ तालो एक मतलब विलेज का नाम है जो कि पताया की बैक साइड पर पड़ता है. तो अभी मैं वो वाले विलेज पर हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आती है ट्रेन की पटरी और ये क्रॉस करने के बाद आगे जाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा. बिल्कुल पास ही है शॉप, ज़्यादा दूर नहीं है एक्चुअली. मेरे को तो यहाँ के रास्ते पता हैं, इसलिए मेरे लिए इजी है ढूंढनी वो वाली शॉप. तो देखते हैं भाई, नहीं तो भाई गूगल मैप खोलना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं. तो आसपास ही है ये वाली शॉप, यहाँ पर ये कहीं शॉप. तो ठीक है भाई, खोलते हैं पहले अपना मैप, तो फिर देखते हैं भाई कहाँ पर ये शॉप. तो भाई ऐसे है कि फाइनली आ गए हैं वो वाली शॉप पे. थोड़े से बाल मेरे उठ गए थे तो कैप डाल लेते हैं पहले. तो कैप डाल लिए भाई, और एक्चुअली कैप बाद में मैं उतार दूंगा कैप, क्योंकि अभी थोड़े से बाल इधर उधर जा रहे हैं, जेल वेल लगानी पड़ेगी. तो भाई ये है शॉप पीछे देख सकते हो, और ये है भाई अपना, इसका नाम क्या है भाई, बार्बर बी शॉप है इसका नाम. और ये काफ़ी फेमस है भाई ये शॉप. और एक्चुअली तो मैंने भाई पोस्ट देखी थी, तो ये काफ़ी फेमस है और ब्यूटीफुल गर्ल है. तो अभी चलते हैं भाई अंदर इसके, और थोड़ी सी दाढ़ी को ट्रिम करवाना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि बाल तो मैं कटवा चुका हूँ ऑलरेडी. तो अभी दाढ़ी को ट्रिम करवाएंगे ये इस लड़की से, और बातें जाते करते हैं लड़की से. लड़की बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. तो चलते हैं अंदर भाई और आपको दिखाते हैं माहौल. तो भाई आ गए हैं अंदर, तो अभी मिलवाता हूँ वो लड़की से. हाय, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज बी. बी बी. तो भाई ये मधुमक्खी है, ये काट लेगी. यू बी राइट? बी. सो भाई लड़की की
लड़की की ब्यूटी देखो भाई, लड़की कितनी सुंदर है वो। यू आर सो एमार्क ना, सो एमार्क मार्क रियली चिंग 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 चिंग। तो भाई लड़की जबरदस्त है भाई। और यहाँ पर मैं आया हूँ थोड़ी सी दाढ़ी कटवाने, सो तो भाई कह रही है वैक्सीन लगी है कि नहीं, तो मैंने कहा भाई वैक्सीन लग चुकी है ऑलरेडी, हम आई गेट टू डोज ऑलरेडी। यस, मैं अपनी कैप उतार देता हूँ पहले, तो अपना सॉरी लॉ चिंग चिंग है, कह रही है तू बड़ा हैंडसम है। थैंक यू सो मच। तो भाई करवाते हैं अपनी बियर्ड कट थोड़ी सी, और आप इंजॉय करो थोड़े से शो। क्योंकि मैंने नई ग्रो अप करनी है, तो इसलिए भाई मैंने दो नंबर लगवा ली। तो लड़की अभी मतलब बढ़िया है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, ये खुद ओनर हैं भाई यहाँ पर, तो बढ़िया काम कर रही है। अभी मैं मूछें कटवाऊँगा, कैसी लग रही है मूछें कमेंट्स में बताना भाई, बट मूछें कटवानी पड़ेंगी। चलो कटवाते हैं मूछें लड़की से। तो भाई ऐसे है कि जो इसकी मशीन है ना, ये बड़ी तेज चलती है। डोंट किल मी। ओके ओके, तो भाई अभी लगवाते हैं उस तरह यहाँ पर। तो फाइनली भाई हमारा हो चुका है क्लीन शेप, कैसी लग रही है कमेंट्स में बताना भाई। और ज़्यादा कुछ करवाया नहीं, तो अगर बाल कटवाने आता तो भाई और भी काम समझ सकते हो आप। तो बाकी लड़की की ब्यूटी चेक करो आप। तो बाल सही लग रहे हैं, सो नाइस। तो भाई अब इससे करते हैं थोड़ी सी बात बात, तो इससे बात बात करते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, पूछते हैं इसको अगर कॉफ़ी शॉफ़ी पीना चाहती है मेरे साथ। तो ठीक है भाई करते हैं, एक सेकेंड में मिलते हैं। ऑलमोस्ट एक्सीडेंट, ओ हिम सी यू एंड हैव एक्सीडेंट ना, या हिम सी यू एंड हैव एक्सीडेंट। ओह माय गॉड। तो भाई अभी एक्सीडेंट होने वाला था, गाड़ी बजने वाली थी, मैंने कहा तेरे को देख के गाड़ी बजने वाली थी। यू आर ब्यूटीफुल। थैंक यू जीनो। तो भाई बड़ी ब्यूटीफुल है यार ये लड़की, ये देखो। हाय वाओ, मेरी बार्बर बी। या बार्बर बी। तो भाई ये जो लड़की है, ये इसकी जो शॉप है, इसका नाम है बार्बर बी, मतलब कि दो तीन मंथ पहले इसने खोली है। तो अभी यहाँ पर ऐसे है कि अभी थाई कस्टमर आते हैं यहाँ पर, तो अब जैसे अभी यूट्यूबर्स वगैरह विजिट कर रहे हैं यहाँ पर। ओ, डू यू वांट अ ड्रिंक कॉफी विद मी? मेबी नाउ। कॉफी नाउ? नो, व्हिस्की। ओह या, यू किडिंग? नो, व्हिस्की समडे। हां समडे, ओके श्योर। तो भाई इसको इनवाइट करेंगे अपनी हवेली पे, इसको बुलाएंगे और वहाँ पर दारू शारू चलेगी इसके साथ। ओके श्योर ना, प्रॉमिस? तो भाई इसने कर लिया है प्रॉमिस, अब इसके साथ पियेंगे दारू किसी दिन। तो अभी फिलहाल तो बाल बुल कटवाए हैं। ओके तो भाई अगर कोई आना चाहता है यहाँ पर, तो मैं लोकेशन डाल दूंगा बार्बर बी की, आई हैव लोकेशन बार्बर बी, तो लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भाई बैंकॉक से या पताया से देख रहा है, अगर ये वाली ब्यूटी देखना चाहता है कोई लाइव, क्योंकि मैंने आँखों से देखा है, तो भाई लड़की देख ही सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है, तो आ सकते हो यहाँ पर, तो बाल बुल कटवा सकते हो।
बढ़िया सर्विस है, चीप प्राइस है, 100 baht में हेयर कट होता है यहाँ पर, बट अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो भाई ये लड़की का जो इंस्टाग्राम है, मैं अभी दिखाता हूँ इसका जो इंस्टाग्राम है, तो भाई इसका नाम है रोबिया, तो भाई इसको फॉलो कर सकते हो, तो बड़ी ब्यूटीफुल लड़की है यार। तो ऐसे है कि भाई इसको पे करते हैं पैसे, इसके जो भी इसका चार्ज है, वैसे तो पैसे मांग ही नहीं रही थी, मैंने कहा पैसे भाई देने हैं फ्री में तो ना करवाना है काम। ऐसे है कि यार इसका ना फेसबुक पे पेज भी है, तो उसका भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हो, फेसबुक का पेज दिया हुआ है। मेरे से पैसे ही नहीं चार्ज किए, कह रही है कोई बात नहीं तू यूट्यूबर है तो तेरे लिए फ्री है, और आओ कभी हमारे पास फिर से तो मिलेंगे साथ में। तो ठीक है भाई, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। थैंक यू सो मच एंड अप्रिशिएट इट, यू नॉट चार्ज मी मनी। बड़ा सही लग रहा है यार, मैं आया शॉप पे और इसने पैसे नहीं चार्ज किए। तो ठीक है, मिलते हैं आपको एक सेकेंड के बाद। सोई बुखाओ में हूँ अभी मैं, तो बार वाली जो लड़की थी सही थी, और बढ़िया लगा भाई उससे मिलके। और आपको कैसे लगी भाई लड़की, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं ऐसे हूँ कि, और भाई मैं अभी जा रहा हूँ एलके मेट्रो के पास, और वहाँ का थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं। वहाँ पर कह रहे हैं कि अपना बार वगैरह खुल रहे हैं धीरे धीरे, और कल से शायद रात को 11 बजे तक रेस्टोरेंट खुलेंगे, 11 बजे तक खोल सकते हैं, 10 बजे तक खोल सकते हैं रेस्टोरेंट, और 11 से 3 बजे तक सुबह लॉकडाउन है कल। तो देखते हैं अपना क्या बनता है आने वाले समय में, सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो ये देखो भाई, ये है सोई बुखाओ, प्रेजेंट जो माहौल है सोई बुखाओ का। और अभी हम जा रहे हैं एलके मेट्रो के पास, चलते हैं पहले आपको दिखाते हैं माहौल एलके मेट्रो का। तो भाई अभी मैं प्रेजेंट हूँ एलके मेट्रो के सामने, देख सकते हो ये है पीछे एलके मेट्रो। तो अभी यहाँ पर ऐसे है कि बहुत जल्द खुल जाएगी नाइट लाइफ, और सब कुछ धीरे धीरे ओपन हो रहा है, मतलब पहले की तरह वापस आ रही है नाइट लाइफ, और रेस्टोरेंट्स और बार्स वगैरह जल्दी ओपन हो रहे हैं वापस, तो बहुत जल्दी शायद आपको नाइट लाइफ मिलेगी। और काफ़ी भाई जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं तो नवंबर के अंदर शायद ट्रैवल कर सकते हो आप। तो आई होप कि यार आपको व्लॉग बढ़िया लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर ठोक देना। तो ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। अगर किसी भाई ने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ठोक देना, और कमेंट कर देना बढ़िया सा, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल अगर आप नए हो चैनल पर। तो अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, ID शो हो रही है। तो ठीक है, जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। ये है भाई एलके मेट्रो, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। I feel like Kobe the way I don't miss. All of these bodies is making me sick. 2400, that's all on the drip. Lot of you niggas can't get in the mess. I run out my bag and I source of my fit. These niggas mad they can't keep up with him. Them niggas dead, get put on the list. It really costs nothing to get that boy hit. SHPDB all over my dick. Can't even walk out the crib with a blick. But that don't mean shit. Still got them demons behind me in case this shit ever get lit. I'm trying to shake something, niggas show me.